हेलो दोस्तों दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको इलायची पैकिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको साबुत लाल मिर्च, साबुत काली मिर्च, साबुत लौंग और जीरे को कैसे पैक करना है और कितने ग्राम पैक करना है और उसका क्या मार्जिन है ये बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमें इलायची को 10 रुपये पैकिंग में कितने ग्राम पैक करना है और उसका क्या मार्जिन होगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको मार्केट से छोटी इलायची खरीद लेनी है जो आपको 1000 रुपए से 1600-1700 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको 1600 रुपए किलो के हिसाब से मार्जिन समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 10 रुपए पैकिंग में कितनी इलायची पैक करनी है। दोस्तों हमें 10 रुपए पैकिंग में 12 पीस इलायची के पैक करने हैं। दोस्तों ये 12 पीस हमें इलायची के पैक करने हैं 10 रुपए MRP में। ये दोस्तों पैक करने के बाद इसे हमें सील कर देना है। दोस्तों ये 12 पीस लगभग 3 ग्राम के हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हमें इसे गत्ते पे स्टेपल कर देना है। अब मैं आपको स्टेपल किया हुआ गत्ता दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार हमें इसे स्टेपल कर लेना है। ये 20 पीस है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20। ये 200 रुपए का माल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसे आपको मार्केट में 140 रुपए में सेल करना है, 140 रुपए गत्ता, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसका मार्जिन समझा देता हूँ कि हमें इसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों आपने 3 ग्राम इलायची इसके अंदर पैक करी, आपने 1600 रुपए किलो इलायची खरीदी दोस्तों, तो आपको 4 रुपए 80 पैसे की इलायची एक पैकेट के अंदर पड़ी। उसके बाद दोस्तों आपने 25 पैसे की पन्नी और जो पिन लगती है दोस्तों उसकी 25 पैसे कॉस्ट मान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 5 रुपए 5 पैसे हो गई। उसके बाद दोस्तों ये 20 पैकेट है तो हम इसे 20 से गुना करेंगे तो दोस्तों 101 रुपए हो गए। और दोस्तों जो हमारा गत्ता है उसकी कॉस्ट 3 रुपए, तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 104 रुपए हो गई। अब दोस्तों इसे हमें मार्केट में 140 रुपए में सेल करना है, हमारी कॉस्ट आई 104 रुपए, तो दोस्तों हमें 36 रुपए गत्ते का मार्जिन होगा। दोस्तों आप छोटी इलायची की पैकिंग करके 36 रुपए पर गत्ते पे कमा सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।